सुन सर, कोई आ रहा है। अगर इसको जाने दिया तो हमें घर खाली हाथ जाना पड़ेगा। जो भी मिलेगा सब ले लेना, जाने मत देना। यस सर। ए, तेरे पीछे क्या है? इतनी रात को खाली रास्ते में अकेले अकेले खा जा रहा है, कुछ पूछ रहा बोलता क्यों नहीं है? City was inhabited in the unbroken peace and the laws. Amen. Amen. Hello. Hello. Uncle, मैं मजिंदा बोल रही हूँ। अभी चेन्नई में लैंड हुई हूँ। अभी कैब से घर आ रही हूँ। बात सुनो, यहाँ सब आउट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ मत आओ। लेकिन मुझे डैड को आखिरी बार देखना है अंकल, उसी के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। वरना मैं चेन्नई आती ही क्यों? अरे देखो, तुम मेरी बात को समझो। जब से इनको पता चला है कि तुम मालिक की दूसरी बीवी की छोटी बेटी हो, तब से ये सब पागल हो गए हैं बेटी। अब तो तुम्हारे डैड भी नहीं रहे। ये दरिंदे किसी भी हद तक जा सकते हैं बेटी। चाहे जो भी हो, पर मुझे अपने डैड को देखना ही है। अरे तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो बेटी? सुनो, तुम एक काम करो, तुम किसी होटल में रुक जाओ। तुम्हें कब आना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। जी लास्ट ट्रिप है आज की, बस ड्रॉप करके घर आ ही रहा हूँ, आप सो जाओ। ठीक है पापा, फोन रखिए ना, वो कस्टमर साथ है तो बाद में बात करते हैं। क्यों सर, लगता है बहुत समय के बाद यहाँ वापस आए हैं। हाँ ब्रो, 3 साल के बाद। कहाँ से है सर? ऑस्ट्रेलिया ब्रो। आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं तो घर से कोई आया नहीं क्या आपको पिक करने? ब्रो तुम सामने देख कर चलाओ ना प्लीज। सॉरी सर। हम सबको यहां पर क्यों बुलाया? मेरा घर देखा है ना, जैसा छोड़कर गया था बिल्कुल वैसा ही है। अबे यार, कोई रहेगा नहीं तो वैसा ही रहेगा ना। मेरी बात नहीं समझा यार। इंडिया में वापस आने का इंस्टा पोस्ट कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लाइक्स आए। वो मेरे पड़ोस की आंटी, वो भी मेरे लाइक्स देखकर अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई यार। अबे चुप, हंस रहा है। अरे पॉइंट पे आना यार। मेरे बाप को पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। आज मेरा बर्थडे है, उन्होंने विश भी नहीं किया। अरे यार पहले तू रिलैक्स हो जाना यार। घड़ी जब ठीक रहती है ना तो हम टाइम नहीं देखते हैं, लेकिन जब घड़ी खराब हो जाती है ना तो बार बार ध्यान घड़ी पे ही जाता है। तो कोई बात को सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता, घुमाता क्यों है? अबे वो साइंटिस्ट है यार, सोच के देख कितना बिजी होंगे। ऊपर से इसराइल में, उसे इसरो बोलते हैं। हाँ भाई भाई भाई, अरे वो टाइम पे काम करते हैं ना, इसीलिए तू टाइम पे खाना खाता है। अब्रॉड से पढ़ाई करके आया है। देखता हूँ क्या बोलता है।
बार भी तुझे हरा दिया। रॉबर्ट विनर विनर चिकन डिनर। क्या हुआ? मेरे बाप की मैयत चल रही है और तू पबजी गेम खेल रहा है? हाँ? ये यहाँ लैंड कर चुकी है। अपनी बहन? किसकी बहन है ये? देख, ये अपने दादा का बाप है, ये अपने दादाजी, और ये मेरा बाप, और ये हूँ मैं। इनके बीच वो कौन है? बस एक रखैल की बेटी। उसके और हमारे बीच 40 साल का फर्क है। किसी को पता चलने पर कि मेरे बाप की कोई नाजायज औलाद है तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। वो सीधे यहीं पर आ रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो हमारे बाप का चेहरा बिल्कुल न देखने पाए। तो फिर बाप के बॉडी को कॉफिन में डाल के अभी सील कर दे। भगवान, मेरे भाई तू अंदर जा। अंदर जाना। से कॉल कर रहा हूँ। आपके साथ ले भाई। सर रुको सर, आपके पिताजी की बॉडी को गाड़ने के लिए ले गए हैं। अगर बॉडी को दफन कर देंगे तो उसके बाद आप कभी उन्हें नहीं देख पाओगे और ना ही कोई रस्म कर पाओगी। अच्छा, हाँ। कहाँ ले गए हैं उन्हें? मैं वहाँ जाकर उन्हें देखूंगी। ठीक है, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। अच्छा सर, मीटर चालू रखना, हम अभी आते हैं। थोड़ा जल्दी करना। चलो लग रहा है।
बाप ने बोला उसे यहाँ लाने के लिए, मुझे और कुछ नहीं पता है सर, प्लीज मुझे माफ कर। एक नाजुक सी लड़की आई और लाश को खोद निकाली, तेरी आंखें बंद थी क्या? तुझे क्या लगा कि हम तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे? हाँ, अब्रॉड के तुम्हारे सारे एसेट, तुम्हारे डर ने तुम्हारी सौतेली बहन के नाम कर दिए। भाग गई वो। मुझे जाने दीजिए सर। मुझे उसकी लाश चाहिए। इतने सालों की मेहनत के बाद आखिरकार ये रॉकेट उड़ान भरने वाला है। बोला भाई, उड़ गया क्या? हाँ। इस बार क्या कर रहा है? डैड का रॉकेट लॉन्च होने वाला, वही देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा सुनना, तुझे किडनैप करने के लिए मैंने लोगों को सेट कर लिया है। ए भाई, कल रात को नशे में मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। कुछ गलत तो नहीं बोला ना? अबे पागल है क्या तू? तू एक मिनट होल्ड कर। कौन है? काम वाली साहब। सुनो, आज आप छुट्टी ले लो, कल आना। जाओ कल आना, ठीक है? हेलो, ए सुन रहा है? हाँ सुन रहा हूँ। ए, तू जानना चाहता ना तेरा बाप तुझे प्यार करता है या नहीं? ऑफ कोर्स जानना है यार। तू अपने घर से बाहर जा और दरवाजा लॉक कर दे, मेरे आदमी आ रहे होंगे। वो लोग जब तुझे किडनैप करेंगे ना, तू जोर जोर से चिल्लाना ताकि पड़ोसियों को पता चले। जैसे ये न्यूज फैलेगी वैसे ही तेरे बाप की फट जाएगी। ए, किसकी? तेरे बाप की। जबान संभाल कर बात कर, वो मेरा बाप है। अबे तो मैंने कब बोला कि तेरा बाप नहीं है? चल दरवाजा लॉक कर और बाहर जा। हाँ ठीक है ना? ठीक है, तू फोन रख। सुनिए सौरभ, देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है, टॉयलेट के स्प्रे से स्कूटर धो रहा है, आकर कीजिए कुछ। जी जी, दिमाग खराब हो गया है। आ गए। आवाज की तो यहीं खोल देंगे, चुपचाप गाड़ी में बैठ। प्लीज। मैं तो कब से रेडी बैठा हूँ, चले आजा। एक मिनट में चाबी ले लेता हूँ। बोला ना गाड़ी में बैठ जा जल्दी। प्लीज। अब चलो आओ। ये क्या है, खुद आ रहा है? चल अच्छा टाइम बच गया। अरे अबे वापस कहाँ जा रहा है, गाड़ी में बैठ। प्लीज बस करो, आवाज मुझे करनी है, तभी तो लोग यहाँ पर आएंगे, समझे कि नहीं? अगर ज्यादा कुछ बोला ना तो यहीं बजा दूंगा, चल बैठ गाड़ी में। प्लीज। तू प्लीज बोलता रहा, हाथ लगाओ इसको गाड़ी में। घर बंद दिखा तो तुझे फोन किया, ये पूछने के लिए फोन किया कि कहीं प्लान कैंसिल तो नहीं कर दिया है? अरे क्या हुआ, सुबह से यहाँ बहुत पब्लिक घूम रही है और देखकर ऐसा लग रहा है कि जितनी पब्लिक यहाँ घूम रही है उनमें से कोई भी इस एरिया का नहीं है। कुछ काम था क्या? ए, मुझे बहुत काम है, तू रुक मैं नीचे आता हूँ। तू नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है? तो कोई दूसरा ग्रुप आया था क्या? अरे हाँ, मैंने देखा था, ऐसा ही एक ग्रुप जीप में मास्क पहनकर आया था, उन्होंने लड़के को मारा फिर उठा के गाड़ी में डाल दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बर्थडे बम्स दे रहे थे, और ये सब देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। मेरे पास भी कपिल देव का मास्क है, देखोगे? अभी दिखाता हूँ मैं। पहले ही बोला था मैंने, ये किडनैपिंग ड्रामा रिस्की है, अब उसे किसी ने सच में किडनैप कर लिया। लोग ड्रामा कर रहे थे मेरे साथ, ए, क्या समझ रहा क्या मुझे? भाई, मेरी बात तो सुनो भाई, ड्रामा किया था ये सही बात है, पर अच्छे काम के लिए था भाई। अब उसे ढूंढने में हमारी मदद करो ना भाई, आप तो शक्ल से समझदार दिखता हूँ। आजू बाजू सब बेवकूफ होंगे ना, तो कोई भी आदमी समझदार दिखेगा। ए, गाड़ी निकाल दे। भाई, अब क्या होगा? एक डोसा देना। ए बहन, जाओ ना आंटी, अभी बोनी का टाइम है, जाओ। हाँ बात माना आंटी, अभी धंधे का टाइम है, जाओ जाओ चलो, बच्चे पैदा कर लेते हैं। भाई भाई, भूख लगी है भाई।
फ्री है, ऐसा सोचकर मैं मुड़ गया सर। फ्री लेफ्ट देख कर समझ गया, गले में हाथ में सब फ्री का है। सर वो ऐसे में से थोड़ा घुमा रहा था। पॉकेट भी खाली है, आखिर तू कैसे घुमाएगा अपनी वाइफ को। ए इधर आ, इधर आ, जल्दी आ ना। क्या है इसमें? कुछ नहीं साहब। दिखा। ए छोड़ो, देना जा, छोड़ो। इस वजह से देख सके। अरे भाई उधर देखो, वहाँ पुलिस वाला क्या कर रहा है? आज इस बेचारे के पीछे पड़ गया लड़की। रोज रोज का नाटक है। दे चलो डॉर, निकल, चल निकल यहाँ से। और तेरा क्या? जाने दीजिए ना सर। ए इधर आ। दर्द हो रहा है क्या? पैसे देता हूँ, दवाई लगा लेना। नहीं साहब, भिखारी के शरीर पर जितने जख्म दिखेंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुम भी चाहो तो दो हाथ लगा लो। इतना गुस्सा क्यों है? नहीं तो क्या, मुझे दवाई के लिए पैसे देने के बदले उससे ही जाकर बात क्यों नहीं करते? हाँ बोलो। देख पैसा निकालता है क्या? ठीक है साहब। देख कर तो स्कूल की लगती है, और ये तेरी बीवी है क्या? मेरी एक मदद करोगे? उस सांप के पास जाकर उसे कान के नीचे मार सकते हो क्या? करोगे क्या? नहीं होगा ना, तो फिर क्या मतलब? हाँ दोनों को एड्रेस ले और भगा यहाँ से। चलो चलो चलो, सारे मजा। चलो चलो, निकलो नहीं क्या? चलो इंस्पेक्टर वर्धन। हाँ तो कौन? देखो भाई, अगर मेरा नाम किसी को पता है तो इस देश में बस प्राइम मिनिस्टर को ही पता है। अगर तुझे बता दिया तो अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। हम यहाँ पर एक ऑपरेशन कर रहे हैं और तुम गधे की तरह गाड़ी बीच में ही लगा कर खड़े हो। है? गाड़ी हटाओ। क्या था? गाड़ी हटाओ। मैं जहाँ चाहे गाड़ी लगाओ, ये मेरा एरिया है। पूछने वाला तू कौन है बे? गाड़ी नहीं हटाऊंगा यहाँ से। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। कॉल कट करते ही तेरी गाड़ी यहाँ से हट जानी चाहिए, और अगर नहीं हटी तो तेरे कान के नीचे बजाऊंगा। पुलिस का वॉकी चुरा कर नाटक कर रहा है तू? हाँ अगर मेरे हाथ लग गया तो तेरी खाल उधेड़ कर रखूंगा, समझा? क्या बोला? खाल उधेड़ेगा? अरे मैं दिल्ली से आया हुआ स्पेशल एजेंट हूँ। और सारे एजेंट जेम्स बॉन्ड की तरह कोर्ट में घूमते हुए नजर आते हैं क्या? चल पहले अपनी सिप बंद कर। ए जरा ध्यान से देख कि कितनों की नजर है तुझ पर। सर जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए सर।
कहाँ लेकर आ गया बे? पूरा भंगार की दुकान लग रही है। हाँ सही कहा, बड़ी अजीब सी जगह है ये तो। देख वो आ रहा है। हाँ बोलो क्या हुआ? एक परेशानी की। हमारा दोस्त है मधि, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था, अभी कल ही वापस आया है। वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। हमने बहुत सेटिंग लगाकर उसकी किडनैपिंग का पूरा प्लान बनाया था, लेकिन कोई और ही आके उसे किडनैप कर लेगा। गुल्लू भाई, उसकी माँ भी नहीं है, उसके बाप को भी कोई परवाह नहीं है। अब आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, प्लीज हमारे दोस्त को बचा लो भाई। निकालने के लिए देते हैं और कोई मतलब नहीं होता, लेकिन तुम तो अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए भीख मांग रही हो, तो शर्माओ मत और घबराओ मत। माँ के प्यार से बड़ी ताकत कोई नहीं होती इस दुनिया। भाई ये मेरा बच्चा नहीं है। भाई का तो पोपा तो गया। पता है माँ चाहे कोई भी हो, बच्चा बच्चा होता है। क्या कर रही है? ए सुनो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? गया मधी का किसी ने किडनैप कर लिया। क्या कहा? किडनैप कर लिया और इतना कैजुअली बोल रहा है? कैजुअल? अरे पता है हम लोग उसे कब से ढूंढ रहे हैं। तो उसके बाप के किसी दुश्मन ने उसका किडनैप किया होगा। उसके बाप का नंबर बता। ए भाई, उसके डैड एक बिग शॉट है, अगर उनको पता चला तो हम सब फंस जाएंगे। हम ही ये हैंडल करते हैं। ठीक है, जाके जरा सबसे पास का सीसीटीवी कैमरा ढूंढना। तो ठीक है, हम लोग तो कल से ही बहुत परेशान है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे। अब लास्ट में थक हार करके एक भाई का सहारा लिया है, देखते हैं कुछ ना कुछ तो पता लगा ही लेंगे। अच्छा तुम ये एप्पल लेके यहाँ पे क्या कर रही हो? लड़की का नाम क्या है? वडिव करसी डैड। अच्छा वो काम कहाँ करती है? ONG एड एजेंसी, वो वहाँ काम करती है। आपकी एक ही लड़की है डैड? एक ही लड़की है तो क्या हो गया? आपने उसका इंस्टा का फोटो नहीं देखा क्या? आग है वो। ए चुप करना, अब आप लड़की को बुला देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ उसे बुला दीजिए मुझे। ठीक है बुलाइए उसे। डैड मुझे लड़के से बात करनी है। डैड हमेशा जल्दी में रहता है। बस अभी आया। पहले बस इंस्टा पर स्टॉक करते थे, आज रिश्ता लेकर आ गए। दिस इज टू मच। हाँ सी आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड। तो क्या हुआ, तुम बहुत खूबसूरत हो, वो सब तो तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा ना? लेकिन वो काट के चला गया। ओह मतलब इट्स ओके, शिट हैपेंस। लेकिन मुझे एक बात बताओगे तुम, क्या तुम दोनों ने कुछ ऐसा वैसा कुछ किया था क्या? अभी तो बताया काट के चला गया। इसका मतलब वो था क्या? ठीक है कोई बात नहीं, कुछ टेंस सिचुएशन में इमोशंस हैंडल नहीं होते हैं, कोई बात नहीं। कंट्रोल नहीं कर पाया उस वजह से, लेकिन उसके बाद प्लान करके किया। मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ, मुझे वैसे भी तुम पसंद नहीं। कम ऑन ब्रो जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है। डैडी ये बिना शादी के शादीशुदा है। सुन ले, निकल जा मेरे घर से। ठीक है मैं तो वैसे भी जाने का ही सोच रही थी, पहले जायदाद में से मेरा हिस्सा। क्या कहा हिस्सा? तेरे दादाजी ने
वसीयत छोड़ी है क्या तेरे नाम? सब कुछ मैंने कमाया है। आपने ये सब कमाया होगा, लेकिन आज जो लड़का आया था ना, वो आपकी जायदाद के लिए नहीं आया था, मेरे लिए आया था वो। ओके, थोड़ी सी भूख लग रही है, वो लोग फ्रूट्स लेकर आए थे ना, वो दे दो, थोड़ा सा खा लो। क्या कहा? फ्रूट चाहिए तुझे? अभी देता हूँ, रुक जा। ये सब क्या बोल करो इन्हें? अरे सुनिए तो, अभी ठीक करता हूँ मैं, तूने बिगाड़ दिया इसे। फेंका हुआ एप्पल ही मिला तुझे? उन्हें कटहल फेंकना चाहिए था। वो मिलेगा ना तो मैं तुझे कॉल करूंगा, ठीक है? मिलते हैं फिर। वहाँ कोने में एक है। कभी जीप को पहाड़ चढ़ते हुए देखा है क्या? वैसे ही एक जीप ने मेन रोड से लेफ्ट लिया था। यहाँ वो 5 बजे आया था और यहाँ से 8:15 बजे निकला था। ये कौन सा ऐप है? गाइस, मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ? तुम्हारा नाम? ये भवानी शंकर है। ए, थोड़ा शर्मिला है। मैं राजकुमार। इज गे। ओह, हैप्पी प्राइड। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। तो ऑपरेशन के इंचार्ज तुम हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? गूगल। वाओ, गूगल वर्ल्ड फेमस सर्च इंजन। पिक्चर देखकर सीखी होगी ना, तो ऐसे ही किसी जगह पर वो आया होगा। ये नंबर डालोगे तो सारे नंबर दिखेंगे। वो नंबर डाल के देखा। मतलब तुम हैकर हो? किसी ना किसी की मदद करता रहता। हम लेट हो जाएंगे यार। चल छोड़ दे। भाई, देखने में बिल्कुल भिखारी लगता है ये। हमारी हेल्प कर पाएगा क्या? अभी बस यही है जो हमारी मदद कर सकता है। लगता है अपनी तो लगने वाली है। क्या बोलता है भाई? तुझे ऐसा क्यों लगता है बे? पहले थोड़ा आराम से सोच तो। इसने सब काम किया है और हर जगह जा चुका है। पुलिस, मीडिया, कोर्ट, सबसे लड़के जीत चुका है। हर सवाल का जवाब है इसके पास, इसीलिए तो सब लोग इसे गूगल बुलाते हैं। इसकी कोई फैमिली भी नहीं है, कभी भी किसी की मदद करने से मना नहीं करता है। कितना देश घूम चुका है पता है क्या? आजाद पंछी है, कौन सी चीज कहाँ है सब कुछ पता है इसे। एक्सपर्ट है ना? ये मेरा वड़ा। हाँ, मेरा वड़ा गिरा दिया। अरे वो गलती से गिर गया ना। तेरे हाथ से गिरा ना। अरे मेरा वड़ा। डेविड फोन नहीं उठा रहा है, सो रहा होगा। वो इतनी जल्दी उठता कहाँ है? तब तक कुछ खा पी के आ जाते हैं ना। सब लोगों को क्यों जाने का? एक को जाने के लिए बोल और सबके लिए पार्सल लेकर आने का। हाँ, आइडिया तो सही बोला तू। देखो बॉस, पार्सल मंगाने में नुकसान है। अगर पार्सल मंगाएंगे तो पार्सल वाले को 100 रुपया टिप देना पड़ेगा, और अगर सब वहाँ जाकर खाएंगे और सिर्फ एक के लिए पार्सल लेके आएंगे तो उसको 10 रुपया भी टिप दे सकते हैं, और हमारे 90 रुपया बच जाएंगे। ये आइडिया बहुत अच्छा है। किसी को यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। मैंने स्ट्रॉन्ग डोज दे दिया है, 1 घंटे तक आउट रहेगा, तो सब जाके आ सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं। समझ गए? ये भी जबरदस्त बोला। तो चलो फिर सब चलते हैं। बंदर लोग भी दिमाग से एकदम खुश। अरे बेटा, अरे तेरा चख तो लेना। देख देख वहाँ, देख कौ है वो, देख वहाँ पर खाल खाल ले ले। कौवे को दिखाना है? देख देख बेटा, कौवे को दिखाएगा तो ही खाएगा। अच्छा देख कौवा आ रहा है, देख देख कौवा आ रहा है, कौवा आ रहा है, देख ये कौवे से बात करता है। बताया ना उसे 14 लैंग्वेज आती है, उनमें से एक हिंदी। देखो देखो कितने कौवे आ गए। देखो यार, इतना
भाई, यही हम लोगों को मरवाएगा। अबे तुम लोगों की इतनी फट क्यों रही है बे? देखो कमे आ गए हैं। अगर पकड़ेंगे ना तो लोग उसका विश्वास करेंगे कि हमारा वो हमारा करेंगे तो उसे उसकी किस्मत में छोड़ देंगे। देखिए साहब, सच में मुझे नहीं पता। उसने कहा था कि उसे डैडी का चेहरा देखना है, तो मैंने उसे मना कर दिया था। मैं 20 साल से आपका वफादार हूँ, अपना बाप समझकर मुझे माफ कर दो। आपने मेरे बेटे को भी मार दिया। बाप की दुहाई दे रहा है। तू मुझे भी मार देगा। तेरे पापों का फल तेरी बहन के रूप में आई है। तेरे पापों का फल तुझे मिलेगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज से तेरा बुरा टाइम शुरू हो गया। आज से स्पीकर पर डाल। गुड मॉर्निंग बॉस। आपके पिताजी का दोस्त श्रीलंकन बोल रहा हूँ मैं। जो बोला था वो हो गया। आपने जैसा बोला था उस लड़के को उठा लिया हम लोगों ने। कौन सा लड़का? आपके आजू बाजू कोई लोग तो नहीं है ना? आप नाटक क्यों कर रहे हैं? ठीक है। आपने फोटो दिखाया था ना, वो लड़का जो वीडियो में गा रहा था, कुछ याद आया आपको? अब सुन, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दे, कुछ भी बोलना मत। तुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी तूने की क्या? हाँ की ना, बिल्कुल की। किसको किडनैप किया, लड़की को या लड़के को? अरे सामने से हटना, देखने दे। लड़का लग रहा है। लड़का है बॉस, लड़का। आज तक मैंने किडनैपिंग में जेंडर चेंज होते नहीं सुना। किसे उठा लाया तू? अच्छा वो मेरे भाई ने तो जो। चुपचाप से मेरे 1 करोड़ दे दे और उसे ले जा वहाँ से। आप हमसे पैसा मांग रहे हैं? पैसा आपके पास कमी नहीं और आप हमसे मांग रहे हैं? ए, अगर फिर से कॉल की ना तो कहीं भी रहेगा, मैं तुझे ढूंढ के खत्म करूंगा। तुम में से इसका फोटो किसने देखा था? अरे बॉस क्या बात कर रहे हो तुम, फोटो नहीं, हमने टिकटॉक वीडियो देखा था, सीधा मेरे दिमाग में डाउनलोड किया। बस आपके पिताजी की मदद से हम लोग जेल से बाहर आए हैं, उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एक आदमी को भेज दो उसे दिखाने के लिए। मैं किसी को भी नहीं भेज सकता। ए, फोटो दिखा उसको। मेरे पास फोटो नहीं है। एक मिनट रुको, मेरे पास एक पुराना टिकटॉक वीडियो है, ये देखो कितना अच्छा गा रही है। ये मुझे क्यों दिखा रहा है? दिखाइए तो बॉस। एक से देख लिया ना, बहुत ही खूबसूरत है। 1 घंटे में फ्लाइट चेन्नई में लैंड होगी, कोई गड़बड़ मत करना। हम हैंडल कर लेंगे बॉस। काम खत्म होने तक तेरा भाई यही रहेगा। तूने बोला कि वो लड़का था और वो बोल रहा है कि लड़की है, बेवकूफ। लेकिन उसमें तो लड़का था। जरा इससे पूछ ले कि ये लड़का है या लड़की है। क्या हुआ, गलत बंदे को किडनैप कर लिया? बेवकूफ, इसकी फैमिली को फोन करके पैसे मांगते हैं हम लोग। हाँ ये आइडिया। अरे जो करना है अभी करो, तुम लोगों को कब से बोल रहा था मैं, मेरे दोस्त को फोन करना है। दो मेरा फोन, दो पासवर्ड डालो। हाँ बोल। 9315। हाँ लोग हो गया। हाँ चल आराम से, ए, कुछ गड़बड़ मत करना। चल पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने सुना है कि कॉल करते समय अगर 10 सेकंड से ज़्यादा आपने बात की तो आपकी कॉल ट्रेस हो सकती है, आपकी लोकेशन पता लगाई जा सकती है। तो हम सबको सब कुछ 10 सेकंड में करना होगा। ये कैसे पॉसिबल है बॉस? प्रैक्टिस से। अब एक काम करो, तुम सब लोग अपना अपना स्पीच तैयार करो, एकदम खतरनाक होना चाहिए वो। चलो शुरू हो जाओ। ओके ओके, खतरनाक होना चाहिए। ओके जल्दी लिखो। चलो इस लड़की को देखा है क्या? अभी मैंने तुझे बोला था ना ऐसा मोबाइल लेने के लिए। देख इसे, फोटो कितनी अच्छी आती है। यहाँ खाने पीने के पैसे नहीं है, तुझे मोबाइल की पड़ी है। चल मुझे अपना काम करो। मैं क्या करूँ, जाना भीख मांगे। अरे भीख मांगने के लिए बोल रहा है? अपना काम करो। चल।
ये लो बाबू, जोर से पढ़ना। गाला, मेरे अंदर का जानवर तुम्हारे अंदर सो रहा है। अबे, अबे जानवर, रिजेक्टेड। तुमने गेंडे को फोटो में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, लेकिन क्या कभी असली में देखा है? अबे कोई जानवर पंछी नहीं चाहिए इसमें, लिखना भी नहीं आता है। घटिया एकदम। तू अब भी लिख रहा है, चल दिखा। स्कूल में पढ़ा होगा, स्कूल में ये, अबे ये क्या लिखा रे? स्कूल में पढ़ा होगा, मैं हूँ हेडमास्टर। इतनी अच्छी जगह है और तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं आ रहा। चलो, मुझे कल 5 बजे तक 1 करोड़ मिलने चाहिए, और अगर लेट हुए तो इसकी एक भेजूंगा, और उसके बाद लेट हुए तो दूसरी, और अगर उसके बाद लेट हुए तो ऐसे ही चलता रहेगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, और 20 दिन तक 20 भेजूंगा, और 21वें दिन 21 भेजूंगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। क्यों, कैसा है लिखा ना? एकदम शकास वाला बात है, कमाल कर दिया। अरे सुनो, 21 उंगली काटने की क्या जरूरत है? 20 उंगली काटने के बाद मैं उसका क्या करूंगा? कोई जरूरत नहीं है। अबे तू चुप कर, देर से किसने पूछा? उंगली कलवा ला बस। सेकंड नहीं बोलना। अरे हाँ हाँ, मैंने ही तो बोला था तुझे, मैंने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस। बेवकूफों की तरह हंस क्यों रहा है? हाँ तो फोन लिया नहीं कि फोन की घंटी बजने लगी, देखा ना मेरा जादू? अबे जल्दी से पॉइंट पे आना तू। ए, बकवास तू कर रहा है? अबे मदी का फोन आया, मदी का। ये क्या कह रहा है? मदी का फोन मुझे दे। अरे इसी का तो इंतजार कर रहा था। मुझे पता है कि अगर 10 सेकंड से ज्यादा बात करूंगा तो तुम मेरी लोकेशन पता कर लोगे। तो मैं बस 10 सेकंड में बात करूंगा, रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कर लेना। तुम हो सकता है डर के कुछ मिस कर जाओ, तो रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि रिकॉर्ड की हुई बात तुम बार-बार सुन सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो, तैयार हो जाओ ताकि तुम उसको बार-बार सुन के समझ सको। तो शुरू करो क्या? तो उसकी काट के भेज दूंगा, ऐसा चलता रहेगा 20 दिन तक, 20 दिन में 20 जाएगी, 21वें दिन मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पता है कि मैं क्या काटूंगा, समझ गए? थैंक यू, हम शांत। क्यों, कैसा रहा? मस्त बोला ना मैंने? हां बॉस, मस्त बॉस, एक नंबर है, प्रैक्टिस। मुझे तो लगा कि ये कोई बड़ी गैंग होगी, लेकिन ये तो पागलों की गैंग लग रही है। गुल्लू भाई, उनको सुनकर ऐसा नहीं लगा कि उनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है? एक अकलमंद इंसान को तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बेवकूफ उससे भी खतरनाक है, पूरा का पूरा देश भी डुबा सकता है। तो आपका प्लान क्या है? कल 5 बजे तक तो सब कुछ सेफ रहेगा, उससे पहले ही उसे ढूंढना होगा, नहीं तो। नहीं तो क्या? पैसे जमा करने पड़ेंगे। पैसा? 1 करोड़ कहाँ से लाएंगे? मदी के डैडी? हाँ, उनसे पूछ तो सकते हैं, लेकिन जैसा मदी ने बोला है कि उसे डैडी उसे प्यार नहीं करते, तो किडनैपिंग के प्लान बनाने के लिए हमें तो जेल में डाल देंगे ना। तो जाना जेल, तेरा ही आइडिया था ना? कैसे कैसे आइडियाज देता है? क्या सोच रही है? मैं क्या अकेला जेल चला जाऊंगा? हम सबका प्लान है। यहाँ पर से अच्छा तो ये ब्लैकमेल करता है। शांति शांति शांति। 1 करोड़ जमा करने का एक रास्ता है। रास्ता क्या? हमें मदी के घर पे वापस जाना पड़ेगा। जानता है कि मैंने उसे देखा कि नहीं, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ बोलो, तुम्हें क्यों बताऊं? कितनी सुंदर लड़की है, आंखें बिल्कुल आप जैसी हैं, सर नाक भी इसकी आप जैसी है, आपकी बेटी है क्या सर? मैंने इस लड़की को अभी नहीं मरने का, बस थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ गहने बेचने के लिए आएगी। गहने बेचने? कौन सी दुकान में? यहाँ से सीधा जाने का, आगे एक मंदिर आएगा, उसके बाजू में वाइन शॉप है, उसके बाजू का रोड लेने का वहाँ चर्च आएगा, उसके बाजू में एक और वाइन शॉप है, वहाँ से लेफ्ट लेने का एक स्कूल आएगा, उसके बाजू में एक और वाइन शॉप है, उसकी खुशबू स्कूल तक आती है, वहाँ से यू टर्न लेकर वापस आओगे तो बिल्कुल सामने दिखेगी एक और वाइन शॉप। हाँ बिल्कुल सही कहा, वाइन शॉप दिखेगी। वाइन शॉप। अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे क्या कर रहे हो, मुझे खाने जा रहे हो? अरे बाप रे, यहाँ कहाँ डाल दिया मुझे? ए, तुम सब लोग कौन हो?
उस लड़की के बारे में तुम लोगों से भी पूछा था क्या? मैंने देखा नहीं, सबको खिला पिला रहे थे और टूर करा रहे थे, इसलिए मैं भी आ गया। इन लोगों का ये कौन सा तरीका है? हमने तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है और अभी तक 6 लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं। वो कौन है भाई? गुप्ता जी। कौन गुप्ता जी? अरे अरे ये नहीं चाहिए, नाक में हाथ डालता है। और तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ राजा, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ भाई। हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल जाएगी तो मार डालेंगे। अच्छा सुनो सुनो। हाँ बोलो भाई। पबजी खेल के टाइम पास मत करना, ये मामला सीरियस है। हे, अपने हाथ से मारेगा? चल निकल। पहले तो तुम्हारा सवाल गलत है। तुम पबजी को फ्री फायर से कंपेयर कैसे कर सकते हो? मैं अब चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो माइक फेंक के मारूंगा। अरे ये अंकल तो गुस्सा। कैमरा बंद कर। एक चीनी को मारने का मूड कर रहा है, एक गेम खेल लूं क्या? गेम खेले? मदी का घर नहीं है, यहाँ क्यों पार्क किया है? दरअसल हमारी गाड़ी की वजह से हम लोग पकड़े जाते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ दूर पार्क किया। चलो तो। गुल्लू भाई, हमने सब कुछ चेक कर लिया, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे पता था कि यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। उसका टोस्ट करें। पागल लड़का। डेविड और रॉबर्ट दोनों भाई हैं और उनका मेन धंधा है दारू। तो ये हाथ में जो बोतल है ना, ये उन्हीं का माल है। तुम लोगों को कोई एंटी कोरियन पता है क्या? वो जो आंटी पे लाइन मारता है, कुछ भी बोलता है। पागल है क्या? मैं बोल रहा हूँ एंटी कोरियन। इस दुनिया में कुछ लोग बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, तो ये एंटी कोरियन ऐसी पुरानी अनमोल चीज़ों को खरीदता है और अपने पास रखता है। मैंने भी तो वही बोला था। रॉबर्ट ऐसी चीज़ों को खरीदता है, उनके लिए बहुत पैसे देता है और ऐसी चीज़ों में शामिल है ड्रैगन के अंडे, एवेंजर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स, इजिप्शियन ममीज, हिटलर की आखिरी तस्वीर, डायना का लास्ट लव लेटर और बुसान का जॉम्बी। ये सारी चीजें बर्मा बाजार से लाकर अपने पास है। जॉम्बी? जॉम्बी सच में होते हैं क्या? पता तो नहीं, लेकिन मैंने सुना कि वो ट्रेन टू बुसान के जॉम्बीज हैं। आपको कैसे पता? एक बार मैंने उससे 10,000 साल पुराने ड्रैगन के अंडे की डील की थी। इतना पुराना अंडा था तो छूने वगैरह से टूट नहीं गया भाई? अरे चुप करना। हेलो। हाँ रॉबर्ट जी, मैं मारन बात कर रहा हूँ सर। कौन मारन? अच्छा वो जोड़ी है। मेरे पास आपके लिए एक असली माल है। माल बोला? 100% खरा। क्या? अगर सुनोगे ना तो पूरा एशिया हिल जाएगा, बहुत ही कीमती माल है वो। ए, छी, फोन रख। क्या हुआ गुल्लू भाई? ए? ए, गाड़ी साइड में लगा। हाँ भाई। एशिया को हिलाने वाला माल। एशिया को छोड़ो भाई, नॉर्थ कोरिया के किंग जॉन को भी भगा देगा। माल क्या है? आप खुद ही आके देख लो। कब आऊँ? जब आपका मन करे। हे, चूना पट्टी मत देना, मैं सुबह 8 बजे आऊँगा। ठीक है, एक और बात, जब आओगे तो साथ में 1 करोड़ लिक्विड कैश लेके आना, डील अच्छी लगी तो वहीं सील कर देंगे। हे सुन, हम सुबह से एक लड़की को मारने के लिए भूखे प्यासे भाग रहे हैं। अगर मुझे लगा कि तू टाइम पास कर रहा है तो मैं तेरी ही गर्दन उड़ा दूंगा।
डराते हो तो बहुत बढ़िया लगते हो भाई। जल्दी आना, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। खुदा हाफिज। उसने बोला कि तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। पैसा मिल गया, उसका टोस्ट करें। ए, चुप करना। लेकिन उसको बेचेंगे क्या, ये पता है? पता तो नहीं है, कुछ तो सोचना पड़ेगा हमें। ये क्या सोचने का क्या मतलब? खाली हाथ पूरी एशिया को हिलाने की बात कर रहे थे आप, और अभी सारी हवा निकल गई। मुझे नहीं लगता कि ये चल पाएगा। क्या बोलता है भाई? कुछ ना कुछ करेगा। सही कहा। कौवा उल्लुओं को दिन में हरा सकता है, उल्लू कौवे को रात में हरा सकता है। अच्छा राजा वो होता है जो सही टाइम तक रुकता है। उम्मीद है तो समझ गया होगा। बस बकवास ही कर सकते हो, देख लिया ना क्या हुआ। चल। सिर्फ बकवास करनी आती है इन लोगों को। इस खुशी में पीते बारिश गिरी है, मतलब हर जगह थोड़ी गिरेगी, कुछ नहीं होगा उसे। बड़ी भी बुरा सी है ना। अच्छा तुम फिटनेस फ्रीक हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस हेल्दी रहना पसंद है। बूढ़े लोगों को देखकर डर लगता है, इसलिए रनिंग करती हूँ। उनकी सूखी चमड़ी, उनका कमजोर सा बदन, दवाइयों की स्मेल, पेशाब की बदबू, इन सबसे एलर्जी है मुझे। गेरास्कोफोबिया? बूढ़े होने का डर? हाँ सही कहा, लेकिन पता नहीं मैं ऐसे क्यों। मेरे दादाजी के मरने के बाद डैड ने दादी को ओल्ड एज में भेज दिया था। मतलब बुढ़े होने के बाद कोई इज्जत नहीं करता ना। दादी के तो फिर भी ठीक है, मुझे तो अभी से डैड ने घर से निकाल दिया। दादी तो फिर भी 60 साल की थी, मैं 20 साल में घर से निकल गई। इतनी भी नहीं तो कॉल करके हाल पूछ। सुनो मेरे पास एक आइडिया, ये जानने का कि तुम्हारे डैडी तुमसे प्यार करते या नहीं। क्या मतलब? ये तेरे डैड का नंबर है क्या? हाँ। रमेश बोल रहे हो क्या? हाँ रमेश बोल रहा हूँ, बोलो। तुम्हारे हमारे कमरे में है। दे? दो घंटे में मेरे बताए जगह पे 20 लाख लाना होगा, नहीं तो मैं उसकी गंदी फोटो नेट पे डाल दूंगा। ये बता के ब्लैकमेल कर रहा है क्या? मुझे पता है वो खुद ही इंटरनेट पर ऐसे फोटो अपलोड करती है। फोन रख कमीना कहीं। मतलब डैड के लिए मैं अपनी अच्छी फोटोज अपलोड करूँ या कोई और मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी फोटोज अपलोड करे, इन दोनों बातों में फर्क ही नहीं। उनका नजरिया ही ये दुनिया ही है। चल अब बस कर। हेलो बेटा, तू घर आ रहा है ना खाने? खाने में क्या बनाया माँ? दोपहर का उपमा है, करेले की भाजी बनाई है। उपमा और करेले की भाजी? हाँ बेटा। माँ मैं कल आता हूँ ना माँ। अरे तुम रो क्यों रही हो? ये लो ट्राई करो। ट्राई तो करो भाई, अभी आराम करते हैं, एक बार सुबह उठेंगे। उसने हमारे बाप का गड़ा मुर्दा उखाड़ा है और तुझे आराम की पड़ी है। सॉरी, मैंने तुझे मना किया था जाने से, देखा ना क्या हुआ। बोल रहे हैं कि तूने अपने डैड का गड़ा मुर्दा उखाड़ा है। आई एम स्केयर्ड, अब मुझे बस मॉम से मिलना है और कुछ नहीं। तेरी रिटर्न फ्लाइट कब की है? टुमारो नाइट। अब तब तक तू कैसे मैनेज करेगी? उन्होंने सैमली और उसकी बेटी को भी मार दिया है। तू उस होटल में मत रुक, चेकअप करके दूसरे होटल में चली जा। ओके। इंसानों की पहली भाषा कौन सी है पता है क्या? भाई तुझे ही पता होगा, हमें भी बता दे, जान जाएंगे। रोना, हम पैदा होते ही रोने लगते हैं, खाने के लिए रोते हैं, मुंह की गीला हो गए तो रोते हैं, सोने नहीं मिला तो रोते हैं। तो इंसान की पहली भाषा हो गई रोना। हम किसी भी चीज़ के लिए रो सकते हैं, लेकिन डर के कभी रोना नहीं चाहिए। कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, तो ऐसे डर के रो के कुछ गड़बड़ मत कर देना। ज़िंदगी में एक टाइम आता है जब हम टूट जाते हैं। तुमने गुस्से में इतना चीखा चिल्लाया, ऐसा सोचा होगा कि टाइम आ गया है तो गला सूखने तक रो डालो। अरे सुनो, तुम लास्ट टाइम टूट करके कब रोई थी? एक बात बताइए, लास्ट टाइम आप कब रोए थे? जब मैंने अपनी मातृभाषा बोलना छोड़ दिया। कहते हैं कि जब एक भाषा खत्म हो तो पूरा का पूरा वंश खत्म हो जाता। मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ, मेरा वंश खत्म हो गया और उसके साथ मेरी भाषा भी। मुझे मेरी मातृभाषा में भी याद है।
लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। तुम इसलिए रो रहे हो कि मातृभाषा नहीं बोल सकते? या मातृभाषा बोलने के लिए बोलो तो रोने लगते हैं लोग। मेरी माँ कहा करती थी, बच्चे जहाँ जाना है जा, जो करना है वो कर, जो भी भाषा सीख ले, लेकिन सोच मातृभाषा में होनी चाहिए। सिर्फ तभी कोई नाला है उसकी भाषा तुम पर थोप नहीं सकता, वो तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर सकता, अपने मतलब के लिए भाषा का उपयोग नहीं कर सकता। माँ ने ऐसा कहा, जैसे माँ ने कहा, मैं अभी भी अपनी मातृभाषा में सोचता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि और कोई है नहीं वो भाषा बोलने वाला, तो मैं रोता हूँ। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? एक कल ही ऑपरेशन हुआ ना, आज फिर से आ गए? क्या कहा? ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? अच्छी खासी तो हूँ मैं। सीक्रेट ऑपरेशन? हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, उस आदमी से मार खा के दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बात है सर। कौन आदमी? तो उसे जानती है क्या? मैं उसे कैसे जानूंगी, वो मेरे पास आया और बोला कि मैं पुलिस वाले को मारने वाला हूँ, देखना है तो देख लो। मैं किसी को मारने वाला हूँ ऐसा कहा उसने? उसने ऐसा बोला मुझे? मैं किसी को मारने वाला हूँ ऐसा बोल के आपकी तरफ भागा, बोला उसके कान के नीचे बजाऊंगा। बहुत शर्मनाक बात है। अगर न्यूट्रल एरिया में बंदूक लेकर आना शर्मनाक बात है तो एक दिन आएगा जब तू दुश्मन के इलाके में होगा और तेरे पास बंदूक ना होना शर्मिंदगी होगी। ये कुमार के जैसे क्यों बोल रहा है? छे, ये कमीने चीनी हमेशा मुझसे मैप और लोकेशंस मांगते रहते हैं। ये कुमार कहाँ है? लगता है कोई मुझसे मजाक कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात कर इससे। साले मेड इन चाइना कितनी बार हारेगा, तुझे शर्म नहीं आती? माल कहाँ है? सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान में ये चलने पर गिराए थे, इसे कहते हैं लाइव न्यूक्लियर बॉम्ब। झूठ बोल रहा है तू, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं। चल ठीक है, ये तुझे मिला कैसे? कैसे मिला? ये मेरे पिताजी का है, उन्होंने सरकार से छुपा कर रखा है। इस बॉम्ब के यूरेनियम और प्लूटोनियम से एक पूरा न्यूक्लियर प्लांट चला सकते हैं। इसको सेफली किस तरह डिसमेंटल कर सकते हैं, मेरे पिताजी बरसों से यही रिसर्च कर रहे हैं। बोलता है कमीने, नीचे बैठ, पकड़ इसको, नीचे बैठ।
ठीक से पकड़। तेरे बाप का और इस बॉम्ब का क्या कनेक्शन है? तेरा बाप टेररिस्ट है? वो सर वो टेररिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट है, इसरो में काम करते हैं। मैं उनका एक लौता बेटा हूँ सर, लेकिन उनके लिए उनका काम मुझसे और परिवार से भी बढ़कर है। वो कभी घर नहीं आएंगे, इसलिए मैं उन्हें बदनाम करना चाहता हूँ। मुझे बस पैसे चाहिए, इसलिए मैं ये बेच रहा हूँ। मेरा विश्वास कीजिए सर। सच कह रहा हूँ सर, प्लीज। ये तो मदी की कहानी है यार। फिश टैंक अपनी जगह से गायब हो चुका है। समझ गया कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि मेरे पिताजी इसरो में काम करते हैं, क्योंकि मेरा हुलिया ऐसा है। बस एक मिनट दो, एक मिनट के लिए बंदूक नीचे करो ना। एक मिनट प्लीज, एक मिनट सर। हाँ जैसा सर, कि आप जानते हैं ये रॉकेट की लॉन्च की तैयारियां, अब 10 मिनट में श्रीहरिकोटा से एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है और मेरे पिताजी वहां के प्रोजेक्ट हेड हैं। उनको बोलो ना मैं आपकी गिरफ्त में हूँ। आप धमकी दो ना सर, और ये लॉन्च रोकने को बोल दीजिए सर। वो पक्का रुकेंगे, फिर तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं ना सर। सर ज्यादा टाइम नहीं है सर, आइए ना सर, प्लीज प्लीज आइए। भाई साहब आइए, बंदूक नीचे रखिए, मुझे छोड़ो, ये पकड़, छोड़ो मुझे, ये ऊपर पकड़, ये गन नीचे, ये कपड़ा पकड़, पकड़ ना यार ठीक से, वन आर्म डिस्टेंस, हाँ सीधा। ये सब बंदूक पकड़ने वाले बेवकूफ हैं, वो तो जो करना हो कर। थोड़ा थोड़ा ऊपर, करेक्ट करेक्ट, ना उम्मीद है सब कवर्ड है। हाँ हाँ हाँ, अब ये काम करो, मेरी सेल्फी ले लो। सर मैंने डैड को फोटो भेज दिया है, देखो कॉल की रिंग जा रही है। स्पीकर पर डाल। हेलो, मेरे बेटे को मत मारना। मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन या किसी ग्रुप का, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहते हो कि मैं लॉन्च रोक दूं, है ना? डैडी डैडी नहीं नहीं नहीं, आप लॉन्च मत रोकना, सबसे पहले देश होता है। डैडी जय हिंद। डैडी वो रोकेंगे सर। हेलो, नाश्ता करने आ रहा है ना बेटा? नाश्ते में क्या है माँ? आज नाश्ते में इडली और करेले की सब्जी है। करेले की सब्जी? मैं नहीं आऊंगा माँ। काउंटडाउन स्टार्ट, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। आपको जानकारी दे दें कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण रॉकेट का लॉन्च पोस्टपोन कर दिया गया है। देखा ना सर, मेरे डैडी हैं सर, देखा मुझसे कितना प्यार करते हैं वो। कितना प्यारा बाप है। डील ओके सर, कैश। तूने तेरे बाप को फोटो सेंड किया, मैंने तो देखने के लिए बोला था, लॉन्च रोकने को नहीं, फिर लॉन्च कैसे रुका? ए, तू कौन है और तेरे गले में क्या है? सर लॉकेट को हाथ मत लगाइए। क्या कहा? मुझे हाथ लगाएगा? सर सर सर, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है सर। चल बता कौन है तू, बता कौन है? मुझे बेवकूफ समझता है? बता दो। इसके पास मुझसे ज्यादा पॉकेट है, पॉकेट चेक कर इसका, अगर हिलेगा तो यही उड़ा दूंगा। नहीं, लगता है काम वाली है, भगाओ से। ठीक है भाई, तेरा टाइम खत्म। Thank you.
चलिए दिखाता हूँ तुम लोगों को अपना चल। अरे कुमार ऊपर है, जाके देखो ऊपर। अबे यार क्या हुआ था बे? तू कहाँ पर गया था? मैंने ही मदी का बाप बन के फोन किया था यार। गुल्लू भाई और मैंने कल रात इसका प्लान बनाया था। और टीवी पर जो लॉन्च काउंटडाउन था वो क्या था? अबे वो तो पुराना रिकॉर्डेड वीडियो है। रॉकेट लॉन्च तो कल की न्यूज है। सब कुछ ठीक है लेकिन ये लोग पैसे लेके आए हैं कि नहीं? अरे गन है बंदूक। ए फेंक उसे। ए बंदूक क्यों उठा रहा है? चल ए आराम से। चलो यहां से। और इस गेम में खेलने वाले सभी चाइनीज गेमर्स हार चुके हैं। गेम ओवर। देखो जिसमें वो लोग भागे थे वो वैन ऐसी ही थी ना? हाँ ऐसी ही थी लेकिन थोड़ी सी और कलरफुल थी सर। ए मंगला मली, तुम मछली सुखा रही हो ना, थोड़ी सी मुझे भी दे देना, रात के डिनर में खाऊंगा। सुनो
घर पे सीसीटीवी कैमरे की तरह तेरी नजर हर चीज पर रहती है ना, लेकिन तेरे बाजू के घर में 10 लोग मारे गए और तुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं तो महंगे कमरे में सो रहा था। कहाँ सो रहा था? अपने घर में। तो ऐसा बोलना चाहिए ना, वरना किसी को पता कैसे चलेगा कि मेरे पास पैसा है। ये क्या है? बाजा है। बाजा? तख्ती तगड़ी धूम, तगड़ी तगड़ी धूम। अगर ऐसा होता है तो ये बात साबित हो जाएगी कि गेम्स कितने खतरनाक होते हैं। ठीक है, थैंक यू। भाई, लॉयर का फोन आया था, आपके भाई की बॉडी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। चीनी ने कुछ बोला क्या? बहुत कुछ किया बॉस, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। हमने उसके मुंह में एक गोली डाल दी, चूहे को अंदर डालकर। मेरे भाई को मारने वाले चारों में से बस यही जिंदा बचा है, तो इसे मारना मत। ओके बॉस। क्या हुआ भाई? ये चूहा खा गया भाई। खाएगा ही, चीनी जो है कुछ भी जिंदा मिलेगा तो खा जाएगा। उसको सब्जी खिला के टॉर्चर कर। डल 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 डल, मुगल मुगल में डल। ये और इसका दोस्त चाइना से आपके भाई को मारने आए थे। पक्षी ने मारने का बदला लेने आए थे। इसने और इसके दोस्तों ने आपके भाई के दोस्तों को मारा, लेकिन आपके भाई को किसी और ने मारा है। Come here. Isa su sepuisa empeja tu ilito. Sa sepuisa ni pelete. क्या बोला ये? बोल रहा है कि चूहा टेस्टी था, इसे और एक चूहा चाहिए। Of course. मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पानी की बोतल भेज दे। तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसका पासपोर्ट होटल में मिल गया है। पासपोर्ट के लिए वापस आएगी। मैं आ रहा हूँ। पैसे तो 500 दे रहे हैं। लाल चेंज हो गया, जल्दी करो, चलो। ए, जल्दी रेडी हो जा। ओके, ठीक है, जल्दी रेडी हो जा। ए, ये किस लिए? ब्रश और शेव करने के लिए। सर,
लॉन्च और इस शूटिंग के बीच क्या कनेक्शन है सर? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अंदर फॉरेंसिक एविडेंस टीम सबूत इकट्ठे कर रही है। सर 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 एक सवाल सर 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 अगर ऐसा होता है तो ये बात साबित हो जाएगी कि की बात कर रहे हैं आप? ग्रीन और येलो साबुन के डब्बे जैसे दिखती है, रोको उसे। हाँ सर, एक हरे पीले कलर की वैन जा रही है सर। अरे उसका नंबर नोट किया क्या? सर, किसी और भाषा में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा सर। वो वैन निकल गई सर। भाई ध्यान से, कोई गड़बड़ ना हो। हेलो, पैसे रेडी है कि नहीं? हाँ रेडी है। हाँ तो ठीक है, मैं बताता हूँ कि कहाँ लेके आने हैं। पुलिस को बताया ना, तो पता ना हम लोग क्या क्या काटेंगे। थैंक यू। अगर पासपोर्ट उनके पास है तो तू एयरपोर्ट कैसे आएगी? I don't know. तेरी बस त्रिची जा रही है क्या? ये बस त्रिची तक जाएगी क्या? नहीं, तिरुमलाई जाएगी। ओह, ओके। तो कुछ भी करके त्रिची पहुंच जा। मेरे फ्रेंड की अंकल वहाँ है, मैं उन्हें कॉल करके बता देती हूँ। मैं लिफ्ट में हूँ, मुझे बाद में कॉल करना। अगर आपको त्रिची जाना है तो आपको यहाँ से बस मिलेगी। त्रिचि की बस यहाँ रुकती है क्या? हाँ रुकती है। ये लीजिए भाई, बता के देना। हाँ चलो जा। अरे सुन ना, थोड़ी तरी डाल। सांबर चाहिए कि चटनी चाहिए? अरे जो तीखा वो डाल दे। अच्छा ठीक है, तो बोल क्या रहा, डालना। सांबर होता तो तुम एक बार सांबर और मांगते, अब ये तीखा है तो तुम दोबारा तो मांगोगे नहीं। तीखा चटनी का यही फायदा है कि कम खाते हैं और टाइम बचता है। शाबाश शाबाश, मोटी बुद्धि मोटी चर्बी। छुट्टा वापस करो। कैसे छुट्टे? मैंने 500 का नोट दिया था ना, टॉयलेट के तो सिर्फ 5 रुपए होते हैं। मैं 500 का छुट्टा लेके कहूँ? छुट्टा नहीं है, बाद में ना तो ले लेना, चलो जाओ। तो ये मेरी गलती है क्या? तो एक काम करो ना, 500 रुपए खत्म होने तक टॉयलेट यूज करो। और कोई काम नहीं है क्या मुझे? प्लीज मेरे पैसे वापस करो, और पैसे नहीं है मेरे पास। ए, जाना। देख वो सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, समझ गई ना? मजाक बंद करो, पैसे वापस करो। नहीं दे सकता। ओ छुट्टे नहीं है ना तुम्हारे पास? इट्स फाइन, फिलहाल मैं जा रही हूँ। धन्यवाद माता जी, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम इधर बैठो और जमा खाओ।
वैसे ही इकट्ठे हो जाए तो लेके जाना। देखता हूँ कैसे जमा करती है। क्या चाहिए? दाल चावल है क्या? खत्म हो गया। जा फ्राइड राइस ले क्या? खत्म हो गया। चावल और दही मिलेगा क्या? सुबह ही खत्म हो गया। चल जा, तू यहाँ क्यों है? तू भी चला जा। मैं कहाँ जाऊँ? अरे चचा बाथरूम जाओ, वो भी फ्री में। वो जो लड़की दिख रही है ना, सबको टॉयलेट फ्री में यूज करने के लिए दे रही है। जाओ यूज कर लो, जाओ जाओ। एक चाय देना। फ्री है ना? फ्री में है ना? चलो चलो। अरे जल्दी चलो। मैंने कहीं तो देखा है, कौन होगी? बास वो लड़की को कहीं देखा है ऐसा मुझे लग रहा है। टॉयलेट करते समय बकबक मत कर, चुपचाप करके मुंह बंद कर। बाबा 20 रुपए बच गए मैडम। थैंक यू मैडम। धन्यवाद मैडम। सुनो बस, मुझे याद आ गया, इसी लड़की को तो किडनैप करना है। सच में इसी को किडनैप करना है। अरे क्या बकवास कर रहा है, चुप कर। सच कह रहा हूँ, हमने वो जो वीडियो देखा था और लड़की के बदले लड़के को उठाया था, लड़की को किडनैप करना था, यही है वो लड़की। अरे दोबारा सोच के बोल। एकदम पक्का भाई। बॉस इतना सोचना क्या, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, उसको भी किडनैप कर लेते हैं ना। हाँ बॉस, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर गलत हुए भी तो इसमें नई बात क्या है। अब सुन, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर और गाड़ी को यहाँ लेकर के आ। हैं? हाँ, और तुम दोनों मेरे साथ चलो। हाँ, चलो चलो। चल गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ सर। ये बताओ कि तुम्हारा वॉकी मिला कि नहीं? नहीं सर, वही बात तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो खूनी और वॉकी चुराने वाला एक ही है। लगता है तुम सारे केस एक ही आदमी पर डालना चाहते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पहले वॉकी को ढूंढो, फिर देखते हैं। सुसाइड करने का मन कर रहा है।
मैं डिपार्टमेंट के भरोसे नहीं बैठूंगा। डेविड से मिलना पड़ेगा। हमें पैसे तो मिल गए ना, तो अभी यहाँ से निकलते हैं ना। वही बताएंगे कि मिलना कहाँ पर है, तब तक रुकना पड़ेगा। I just hope गुस्से में आके उसकी काट दे। 20 दिन के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाँ? वो लास्ट में काटेंगे। ए, ये मदी का घर है ना? अरे यार, अब तो न्यूज़ में भी आ गया, हम सब जेल में जाएंगे। तू चिंता कर रहा है? साथ निकलने के बाद कितना भी लकीर पीटो क्या फर्क पड़ जाता है? इसे भड़का मत, अगर चला गया तो? हाँ, देखो हमने किसी का फोन नहीं किया, अगर तू पकड़ा गया तो वो होगा, समझा? बस 2 घंटे की बात है, एक बार पैसा पहुंचा दिया ना तो मदी हाथ आ जाएगा। टेंशन मत ले, चैनल को चेंज कर, समझ गया? चेंज करना बेटी, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? अरे वो मेरी दादी माँ है। डेविड फोन नहीं उठा रहा यार, तो क्यों ना हम लड़के के मोबाइल से उसे फोन करें? नहीं नहीं नहीं, दोनों नंबर कंफ्यूज मत करो। बस एक उसे कुछ भी नहीं है इसमें। लड़की के मोबाइल से फोन करें तो डेविड हमारी बात मान सकता है शायद। उसका फोन ढूंढ। अरे यार, यार सिग्नल नहीं आ रहा, उसको उठने के लिए टाइम लगेगा ना। हाँ बस, तो जीप चालू कर, थोड़ा दूर जाके ट्राई करते सिग्नल का। ठीक है बस। क्या लिख रहे हो? पट्टी मत निकालना। ये तो बताओ कि हम लोग हैं कहाँ? कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। सीधे सीधे चलना, कुछ भी हो जाए पट्टी मत खोलना, जाओ। क्या भाई, इन सब के बीच में ये सब करने की जरूरत है क्या? कल तक रुक जाते तो क्या हो जाता? पता नहीं ये जिंदा रहेगी भी या नहीं। तो रहेंगे, तुम्हारा पता नहीं। तुम तो वही हो ना?
तुमको भी किडनैप किया? मुझे पहचाना? पहचाना मुझे? काली काली रात में प्यार के रंग भरे मादी मादी मारन। छोड़ो यार, याद है हम दोनों का डुएट वीडियो वायरल हो गया था, 5000 न्यू फॉलोअर्स मिले मुझे। वैसे तुम्हारी प्रोफाइल में लिखा कि तुम फ्रांस से हो, तो यहाँ पर क्या कर रही हो? पक्का तुमको भी गलती से किडनैप किया होगा इन्होंने, पागल हैं ये लोग। सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, अगर तुमको कुछ बोलना है तो बोलो ना। वो क्या है कि दोबारा हम दोनों ऐसे फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता। तुमने मुझे इंस्टा पे ब्लॉक कर दिया ना। देखो मैं अब भी बोलता हूँ, आई लव यू। अरे अरे क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है, बूढ़े लोगों के अरमान नहीं होते हैं क्या? तुम्हारे दादाजी के मरने के बाद मैं 2 सालों तक अकेली थी, फिर ये मेरी लाइफ में आए। 2 साल हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे। जब इस बात के बारे में तुम्हारे डैड को पता चला तो बहुत नाराज हो गए। आपकी एक पोती है, आप ये सब क्या कर रही हैं? ये करना आपको शोभा देता है क्या? बेवकूफ। अगर बदन को ढकने से ही किसी का अच्छा नाम होता है तो ऐसा नाम मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। बेटी बूढ़े होने की चिंता मत करो, देखो मेरी जिंदगी 50 के बाद शुरू हुई और अब मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ। हमेशा खुश रहो। ये ले। आजा, आजा। आपने वो फोटो देखा कि नहीं? वो लड़की जो आप ढूंढ रहे थे वो अब मेरे कब्जे में है। वैसे कहाँ है तू? अब तुम्हारे नहीं चलेगी, हम उसे तुम्हारे पास लाएंगे और अपने भाई को वहाँ से लेके जाएंगे। थैंक यू एंड जय हिंद। आप कौन है? आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे डेविड से मिलना है। आपके भाई के मर्डर स्पॉट पे मुझे ये डायरी मिली है। इस आदमी ने आपके भाई को मारा है, यही है वो आदमी, आप जानते हैं इसे? आपकी सौतेली बहन और ये पास के एक ही होटल में और एक ही कमरे में रुके हुए थे। आपके भाई के मर्डर का मोटिव तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों का इससे कोई ना कोई संबंध जरूर है। भाई आपके डैड की कॉफिन बनाई थी। तुम्हारे मोबाइल पे लोकेशन भेज दिए, ठीक 5 बजे वहां पहुंच जाना। थैंक यू और जय हिंद। और इसने मारा मेरे भाई को, पता इसने मारा क्या? बोलना इसने मारा क्या? वेरी गुड। सुनो सब लोग, इसे काफी टॉर्चर किया, घास फूस काफी खा चुका है ये, इसका ख्याल रखो, जरा इसे 2-4 चूहे खा लें। लड़की के दोस्त मिलने यहाँ आएंगे, बाद में हम लड़की को हमारे भाई के बदले डेविड के हवाले कर देंगे, सही है ना? अरे सुन, इस फोन से
से डेविड हमें ढूंढ सकता है ना। लेंगे सर। अब ये कौन है? ए! कौन हो तुम लोग? ये स्कूल की बच्ची कौन है? बोलो। क्या यार, तुमने तो बोला था कि यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो एक गजब की चीज है यार। मजा आ गया यहाँ पे आके। ए! बकवास मत कर। अबे ये देख ब्रो, क्या है? बुक है यार, आजकल ये लोग ऐसी बुक भी रखते हैं। अबे ये चेन का क्या सीन है बे? तू और तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ टाइम पास करने के लिए आते हैं और फंस गए क्या? चुप कर। कौन हो तुम लोग? बोलो, कौन हो तुम लोग? क्यों किडनैप किया है? मैं घटिया और वो मुझसे भी घटिया। देखो, किसी ने हमारा गलती से किडनैप किया है। उनके आने से पहले तुम लोग इस बच्ची को छोड़ दो। क्यों बे? किडनैपर्स तेरी सोच के हिसाब से आते हैं क्या? दोनों के दोनों एक नंबर के बेवकूफ हैं। क्या बोला? आने दे तेरे किडनैपर्स को, देखता हूँ क्या करते हैं। आने दे। ए, 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 भाई, अबे ऑडियंस के सामने ये सब करने में मजा आएगा ना यार, मजा आएगा। ए, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। चल, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। तू जो बोलेगा मैं वो करूंगी। तेरी जो भी इच्छाएं होंगी वो सब तू मेरे साथ कर। गर्मी चढ़ गई मेरी सारी इच्छा पूरी करेगी तू। तुमने तो मेरा जोश बढ़ा दिया रे। तो चल शुरू हो जाना। ये बेटा तुम ठीक हो? इसे मैं दे देता हूँ और तू उसको दे। चल जा जा जा। ये बे, तू क्या देख रहा है? अबे ये तो गूंगी है, मुंह बांधने की जरूरत भी नहीं थी। बा 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 बा। ए जा। सुनो, तुम डरो मत। हाँ, मेरी बात मानो। बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाना, ठीक है? जाओ जाओ, पीछे मुड़कर भी मत देखना। हाँ। और कहीं मत रुकना। सोचना कि कितने तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। जाओ चल भाग। जाओ में और इन कमीनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, समझा? तो अपनी बकवास बंद कर दे।
मिल्टा का फोन एक जगह पे ट्रैक हुआ है, हमें लोकेशन मिल गया भाई। लेकिन मुझे बहुत टाइम के बाद स्पेशल फीलिंग मिल रहा है। आई फील सेफ, कंफर्टेबल, लाइफ में एक नया होप मिल गया है। जैसे पिछले दो घंटों से आई हैव ऑल दीज फीलिंग्स फॉर यू। मुझे पता है कि ये प्यार नहीं है और ये जल्दी खत्म भी हो जाएगा, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि तुम्हें बता देना चाहिए। कहाँ जाना है, हम छोड़ देंगे तुम्हें। चलो आओ। मनी, बेबी, बेबी। क्या हुआ तेरे साथ? मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आओगी। गूगल,
था। जानता था कि तुम सब एक ही टीम से हो। बस दो मिनट रुकना वहीं पर। मैं तुम्हारे पास किसी को भेज रहा हूँ जो सारा हिसाब करेगा। खूनी गुंडों का तुम्हारा गैंग तुम्हारे पास आ रहा है। जिसने मेरे भाई को मारा वो तेरे सारे दोस्त, मेरी बहन जिसने मेरे बाप को शांति से मरने नहीं दिया, और वो चारों बेवकूफ भी जो एक किडनैपिंग भी नहीं कर सकते। तुम सब मरने वाले हो। बस कुछ ही देर की बात है, तुम सब मुझे टोपी पहनाने चले थे। मेरा इंतजार करना। मैंने बोला था ना किसी बेवकूफ ने मदी का किडनैप किया है। अभी देख उसे, फोन पे सिर्फ धमकी सुन के वो बेहोश हो गया। उसने अभी अभी एक मिनट में दो लोगों का खून कर दिया और तुम्हें वो बेकार लग रहा है? बस भी करो, मैंने कहा था पुलिस के पास जाने के लिए। अब कोई भी अरागे लगाकर हमें मारेगा। तुम लोग अपने दोस्त को बचाना चाहते थे ना? हाँ, तो वही तो कर रहे हैं। सुनो, मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ आओगी तो सेफ रहोगी। आखिरी बार बोल रहा हूं। ए, साथ ले चल ड्यूड। ए, चल ना। चलो ना, चलो। लगता है तुम्हारा इस्तेमाल करके चले गए वो लोग। जानता हूं। हम कहां है रे? अरे कौन सी लोकेशन है ये? तू बात करना भाई। हमारे बोलने के बाद बिना कुछ सोचे तुमने हमारी मदद की है भाई। कुछ भी हुआ तो हम तुम्हारे साथ हैं भाई। दोस्त के मिलने के बाद तुम्हें ऐसे छोड़कर जाना, सच कहें तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो बहुत गलत बात है ना। तुमने मेरी दादी को इतने सालों बाद मुझसे मिलवा दिया, इसलिए तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। हम लोग मिल गए हैं तो ऐसे छोड़कर जाना गलत होगा भाई। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे भाई। अरे गूगल, इनका विश्वास मत करना। मेरी जीप चालू नहीं हुई है, ये नाटक कर रहे हैं तुम्हारी गाड़ी में वापस आने के लिए। वो तो कुछ भी बकवास कर रहा है यार। बस वो उसे मैं सही बोल रहा हूं। उतना टाइम नहीं, जल्दी चलो 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 जल्दी। इसे ऊपर उठाता हूं। अगर डेविड यहां पर आता भी है तो उस पर उसका ध्यान जा ही नहीं सकता। चलो चलो ठीक है भाई। हाँ, हलो, हलो, हलो। अब ये बताओ कि तुम्हारा क्या होगा? ये मदी तू चुप। अरे रुको ना यार, हमें से कोई भी मरना नहीं चाहिए। पिछले दो दिनों में तुम सबने मुझे ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मुझे भी तुम लोगों के लिए कुछ करना ही चाहिए।
जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सुनो। दिमाग खराब हो गया है। मैंने फैसला कर लिया है। मेरा प्लान ये है कि हम लोग साथ में जाएंगे। ये है स्टीयरिंग, ये है बूम और ये है एक्सटेंशन। बूम मतलब ऊपर, जैसे दबाओगे ऊपर जाएगा। हाँ, मैं एक साइंटिस्ट का बेटा हूँ डूड, मैं सब जानता हूँ, मैं देख लूंगा। कौन सा गैंग? कहाँ गए वो लोग? तो कैसे बच गया? भूख लगी है सर, दो दिन से कुछ खाया भी नहीं है, बहुत प्यास लग रही है सर। वैसे आप सब लोग कौन हैं और यहाँ पर कैसे पहुंचे? आप तो पुलिस वाले हो ना, और आप तो कोई डॉन लग रहे हो, ये इतने सारे ट्रक क्यों लेकर आए? बेटा, तुझे पता है चार्ल्स गार्सन नाम का एक साइंटिस्ट था इंग्लैंड में, उसने किडनैप होकर बचने वालों के ऊपर 20 साल तक रिसर्च किया और एक किताब पब्लिश करवाई। पता है किडनैप होकर उसने अपनी रिसर्च थीसिस में क्या लिखा? बचने के बाद वो लोग कुछ नहीं बोलते, एक हफ्ता लगता है उन्हें मुंह से आवाज निकालने में। सर, इसने तो काफी कुछ बोल दिया, अब क्या होगा इसका? हाँ? बता, गूगल कहाँ है? कौन गूगल से? देखा, तुमने फिर से बोला। ये क्या हो रहा है? आज देखो कोई जाके। तुम लोग जहाँ भी हो, जब तक बाहर नहीं आओगे इसकी चीखें सुनाई देती रहेंगी। जल्दी बाहर निकलो। गूगल, तू बाहर नहीं आएगा। अगर हिम्मत है तो उस पे हाथ उठा के दिखाओ। ये काम नहीं कर रहा सर, काम नहीं कर रहा है। कंटेनर पर गोली मारो। करो
अरे 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 अरे, अरे तू दो मिनट के लिए चुप नहीं रह सकता? शट अप, कुछ भी बोलना मत। चाहिए तो मुझे जान से मार दो, पर एक बार मेरे पापा को फोन कर दो, उनसे कहना मेरा किडनैप हुआ है और बदले में पैसे चाहिए। मरने से पहले मुझे पापा का जवाब सुनना है। ये भी ना, अच्छे कितना भी मारो चुप नहीं रहेगा। ये नंबर बता डैड का। 982 77। सब लोग अपने जिंदगी के सबसे बुरे वक्त को याद करो। क्या ब्रो, इससे बुरा और क्या हो सकता है? हा? भाई ऐसे टाइम पे तुम चुप क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो ना भाई। अरे मैं श्रीलंकन हूँ, मैं क्या बोलूँ। सुनो, मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया है। मैं तुम्हें जो जगह बताऊंगा वहां पर पैसे लेकर आ जाना, वरना तुम्हारे बेटे का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पापा। कौन है? मेरे बेटे को किडनैप क्यों किया है? मैं नहीं जानता कि तुमने ऐसा क्यों किया है। बस वो एक ही है मेरी इस दुनिया में, मेरी जिंदगी वही है। मेरे पास तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हैं और तुम कंटेनर यार्ड में हो। मैं पैसा लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे बेटे पर एक रोज भी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ छुपे हो, मैं वहीं एक बम डाल दूंगा। पापा, अब कहाँ पर वापस जाओ? मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, आपको आने की जरूरत नहीं है। धमकी अच्छा दे रहा है ये। मैं सब संभाल लूंगा पापा। ये एक बार निकल जाए तो उस टकले और उसके पूरे ग्रुप को खत्म कर दूंगा मैं। लेकिन इस गली मैं उसे जानता हूँ, देखा है मैंने उसे। यहाँ से अभी अभी गई है, मेरे पैसों पर खूब अय्याशी की इन लोगों ने। पता है वो लोग कंटेनर में हैं और उनके साथ वहाँ उस गैंग वाले भी हैं। मुझे उसमें से कोई भी जिंदा नहीं चाहिए। यहाँ सबको पेट्रोल से नहलाकर जला दूंगा। नहीं हटेगा, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। डेविड, तुम्हें हमारी जरूरत है ना? हम सरेंडर करते हैं। हमें किसी को मारना नहीं है बल्कि खुद को बचाना है, समझ गए? पहले यहां से निकल। ए, सरेंडर करने का वादा किया था ना, चलो बाहर आओ। वो लड़की यहाँ पर आई है क्या? आपको अभी भी लगता है कि मैं उस लड़की को जानता हूँ? ए मटिल्डा, पागल कहीं जा। हेलो, बेटा क्या हुआ?
से तांग। तुम जिस स्कूल में पढ़े हो मैं वहां का हेडमास्टर हूं। तू तो स्कूल भी नहीं गया तो क्या हेडमास्टर बनेगा? देखो उसके हाथ तो मर रहे हैं क्या तुझे? इंडियन प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करने वाला आदमी कौन है? में लड़ने लगे हैं। डेविड कभी भी ऊपर आ सकता है। उसके आने से पहले चलो निकलते हैं यहाँ से। आराम से। Thank you.
अगर किसी ने भी इस पर हाथ उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डेविड ने हम पर पेट्रोल छिड़क कर हमें मारने की कोशिश की। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार देंगे। ये जानवर नहीं है, हम जैसा है इंसान है। किसी ने झूठ बोल दिया कि ये ज़ॉम्बी है और इसको बेच दिया। ये तो बेचारा दर्द से चिल्ला रहा है और अपनी जुबान से लुगांडा बोल रहा है। कौन लुगांडा? अरे उसकी तो कोई भाषा भी नहीं है। हमें भूख और दर्द समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं है। इसको देखकर समझ में नहीं आता है क्या? आई एम वर्धन सर। मुझे लगा कि आप एक क्रिमिनल हैं। आप रॉ एजेंट है ना? मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ सर। मजाक नहीं सर, मैंने आपके बारे में सब कुछ पता किया है। मैं जानता हूँ कि आप एक एजेंट हैं सर। ये बिग बुल ब्रदर्स यहाँ के सबसे खतरनाक माफिया किंग है। अगर मैंने इसे मार दिया तो प्रमोशन मिलेगा सर। प्लीज सर, आप मुझे अलाउ करें तो। उसने मेरे पापा की लाश को खोद के बाहर निकाला। सर प्लीज परमिशन दीजिए सर। मार दो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली कौन रिपोर्ट करता है? मैंने गूगल पे सर्च किया, आप रॉ एजेंट हैं। एक नंबर, दुश्मन को मारने के लिए मुझे हथियार मिल ही गया। अब मैं दिखाता हूँ उन सबको। सब कहाँ चले गए? लड़ाई खत्म हो गई? इसे भंगार में बेच के दारू पी लूंगा। ये लॉकेट देखकर तो ब्राजीलियन लग रहा है। मैं पैदा हुआ था वेनेजुएला में, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। इसका मतलब तुम यानोबाम्बे ट्राइब से हो क्या? आई एम डूइंग अ पीएचडी थीसिस ऑन डाइंग लैंग्वेजेस। उन सारी भाषाओं से रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कई सारी भाषाएं सीखी भी हैं, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारी भाषा सबसे खूबसूरत है। इसलिए वो तुम्हें मारना चाहते थे। लेकिन वो मैं नहीं थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो डैड की लाश ऑलरेडी बाहर थी। क्या कहा? तो फिर लाश को बाहर किसने निकाला?